हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। घर में ना केक बनाए जाए तो मैंने केक बनाने के लिए, जैसे मैंने यूट्यूब पे देखा है बिस्किट से भी केक बनाया जाता है, तो मैंने बिस्किट मंगाया 5 पैकेट, 5-5 वाले 5 पैकेट और एक इनो और क्या है, चीनी वगैरह सब है, जो कि मैं आपको वीडियो में दिखाऊंगी। आप देखते रहिए कैसे बनाती हूँ, वो भी देखिए, और कैसा बनके तैयार होता है वो भी देखिए। तो बने रहिए वीडियो में। अगर अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करिएगा, तो पूरा वीडियो जरूर देखना। और जो लोग नए हैं वो लोग मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। तो बने रहिए। तो मैंने सारे बिस्किट को ऐसे टुकड़ों में तोड़ लिया है और मैं इसको मिक्सर जार में डाल दूँगी। पाउडर बनाना है इसका और इसी में मैं 2 से 2.5 चम्मच, मेरा जितना बिस्किट है उसका, उसके लिए ठीक है, 2 से 2.5 चम्मच चीनी डाल के इसका पाउडर बना लिया है मैंने। और ये देखिए इस तरीके से दिख रहा है। और फिर मैंने 1 कप दूध लिया है भर के, और इसे मैं थोड़ा थोड़ा करके पाउडर में मिलाऊंगी, बिस्किट के पाउडर में थोड़ा थोड़ा मिलाइएगा फ्रेंड्स, एक बार मिलाने से गीला भी हो सकता है। और फिर थोड़ा थोड़ा मिला के ये पूरा ख़त्म कर दिया मैंने, 1 कप ख़त्म हो गया है। अब मैं थोड़ा सा एक और आधा कप और लूँगी दूध। ये ऐसा हो चुका है देखिए इसको। और मैंने एक बर्तन लिया है, थोड़ा भारी सा है तला उसका, उसमें ऑयल लगा दिया है या बटर कुछ भी लगा सकते हो, लगा के मुझे इसके इसी में केक बनाना है। और ये देखिए मैंने ढक के रख दिया है, 10-15 मिनट के लिए ढक के रखी है। और आधा कप में से मेरे को थोड़ा सा दूध बच गया था, तो पूरा नहीं लगा। तो ये ऐसा हो चुका है सेट हो के 10-15 मिनट के बाद। फिर मैंने इसमें एक इनो लिया है और इनो डाल दिया, उसके ऊपर से थोड़ा सा दूध जो हमने बचाया था वो डाल दिया। उसके बाद अच्छे से इसको मिक्स करना है एक ही साइड घुमा के। इसके बाद मुझे बर्तन मैंने निकाल दिया जिसमें मैंने ऑयल लगाया था, और ऊपर से मैंने कुछ ये काजू थे, बादाम थे, और ये केक बनकर तैयार। और देखिए बर्तन भी साफ होकर निकला था, और देखिए केक कितना सुंदर हुआ है। तो आप लोग को कैसा लगा केक ज़रूर बताइएगा।